भागलपुर के सुल्तानगंज में शनिवार शाम पूर्व सभापति दयावती देवी के पति रंजीत यादव उर्फ बुच्चा यादव पर गोली चलाने के मामले में चार लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर गौरव कुमार ने बताया कि रंजीत यादव के फर्द बयान पर मनीष कुमार, सन्नी कुमार, अमित कुमार, अंकित कुमार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। घटना शनिवार शाम करीब 4 बजे हुई थी। रंजीत यादव अपने घर के बाहर खड़े थे, तभी 3 अज्ञात मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने उन पर गोली चला दी। रंजीत यादव को गोली सीने में लगी और वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने घटनास्थल से गोली के खोखे बरामद किए हैं। पुलिस का कहना है कि अपराधियों की तलाश के लिए छापेमारी की जा रही है। पुलिस ने कहा कि रंजीत यादव का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है, उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस का मानना है कि पुरानी रंजिश के कारण उन पर गोली चलाई गई है। बिहार राज्य डाटा एंट्री कंप्यूटर ऑपरेटर संघ एवं राज्य स्तरीय डाटा एंट्री ऑपरेटर एकता मंच के संयुक्त आह्वान पर विभागीय सेवा समायोजन के लिए चरणबद्ध आंदोलन के तहत रविवार को भागलपुर समाहरणालय परिसर में एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान भागलपुर जिले के विभिन्न विभागों और कार्यालयों में कार्यरत वेल्ट्रॉन के डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर आशुलिपिक, आईटी बॉयज एवं गर्ल्स ने अपनी मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। इसको लेकर संघ के गौरव कुमार झा ने कहा कि 5 नवंबर को सांकेतिक धरना के बाद सोमवार से 11 नवंबर तक सभी ऑपरेटर संघ और ऑपरेटर एकता मंच के सदस्य अपने कार्यालय में काला बिल्ला लगाकर अपनी सेवा देते सरकार के समक्ष अपना विरोध दर्ज करवाएंगे। साथ ही कहा कि यदि सरकार उन लोगों की वाजिब मांगों को पूरा नहीं करेगी तो 28 एवं 29 नवंबर को 2 दिवसीय हड़ताल किया जाएगा, जबकि इस पर अगर सरकार ने कोई सकारात्मक पहल नहीं की तो वह सभी अनिश्चितकालीन हड़ताल को बाध्य होंगे। मौके पर गोपाल कृष्ण झा, रंजीत कुमार, मोहम्मद अंजार, गोविंद कुमार, मुकेश ठाकुर समेत काफी संख्या में डाटा एंट्री ऑपरेटर और आईटी से जुड़े कर्मी मौजूद रहे। के माध्यम से पिछले 2 दशकों से बिहार सरकार के विभिन्न विभागों और कार्यालयों में जो है कार्यरत है, और बिहार में जितने भी आप विभाग देख रहे हैं 4400 विभाग में जो है बेल्ट्रॉन के माध्यम से डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, प्रोग्रामर, आईटी और गर्ल्स जो है कार्यरत हैं। और हम लोगों की सरकार से सिर्फ एक ही मांग है कि हम लोगों का विभागीय सेवा समायोजन हो, क्योंकि पिछले 1997 ईस्वी से लगातार बेल्ट्रॉन के माध्यम से डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, आशुलिपि कार्यरत हैं, लेकिन हमारी सरकार के द्वारा जो है हम लोगों से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। और इसको लेकर जो है बिहार राज्य कंप्यूटर ऑपरेटर संघ एवं राष्ट्रीय डीओ एकता मंच के संयुक्त आह्वान पर हम लोग जो है आज यहाँ पे समाहरणालय के उत्तरी द्वार पर जो है धरना प्रदर्शन किए हैं। भागलपुर के आदमपुर चौक स्थित काली मंदिर परिसर में रविवार को केंद्रीय काली महारानी समिति की बैठक सह आम सभा का आयोजन हुआ। इस दौरान महासमिति के पदाधिकारियों, सदस्यों और शहर के विभिन्न इलाकों के काली पूजा समिति के पदाधिकारी और मेड़पति ने काली पूजा समारोह से संबंधित अपनी अपनी बातें रखी। वहीं बैठक के दौरान कहलगांव विधायक पवन कुमार यादव भी मौजूद रहे, जिन्होंने भागलपुर में शांतिपूर्ण और उत्सव के माहौल में काली पूजा और प्रतिमा विसर्जन को लेकर अपनी बातें रखी। बैठक में काली पूजा महासमिति की ओर से विधायक पवन यादव से भागलपुर के काली पूजा समारोह और विसर्जन शोभा यात्रा को राजकीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देने के लिए सदन में आवाज उठाने की मांग की गई, जिस पर विधायक ने भागलपुर की पहचान हर स्तर पर बेहतर बनाने के लिए कार्य करने का भरोसा दिया। इस दौरान नई कमेटी का भी गठन कर महासमिति की नई कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों के नामों की घोषणा भी की गई। मौके पर ब्रजेश झा, गिरीश चंद्र, जयनंदन आचार्य, डॉक्टर वीना यादव, विनय कुमार सिन्हा, सुंदरा रक्षित समेत काफ़ी संख्या में पूजा समिति से जुड़े पदाधिकारी, विभिन्न काली मंदिरों के मेड़पति और पूजा समिति सदस्य के अलावा बुद्धिजीवी व सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे।
भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के स्थापना दिवस को लेकर समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मेडिकल के छात्रों के साथ चिकित्सकों के लिए कई स्तर के पुरस्कार वितरण समारोह के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित हुआ। कार्यक्रम में चिकित्सकों और मेडिकल स्टूडेंट्सों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इस दौरान केक काटकर मेडिकल कॉलेज का 53वां स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया गया, जबकि मेडिकल के छात्र छात्रों के साथ पूर्ववर्ती छात्रों ने भी कई तरह के कार्यक्रम की प्रस्तुति देकर वहां मौजूद लोगों का मनोरंजन किया। केक कटिंग समारोह में मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य और JLNMCH के अधीक्षक समेत कई वरिष्ठ चिकित्सक और वर्तमान चिकित्सक मौजूद रहे। इस दौरान सत्र 2018 से 2023 बैच के 9 विषयों के मेडिकल छात्र छात्राओं को MBBS में टॉपर्स बनने पर गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में कम्युनिटी मेडिसिन विषय की टॉपर अदिति कुमारी को डॉक्टर AK जायसवाल ने गोल्ड मेडल से सम्मानित किया, जबकि ENT विषय की टॉपर सौम्या झा को डॉक्टर SP सिंह SOI गोल्ड मेडल से सम्मानित किया। इसके अलावा नेत्र रोग विभाग, सर्जरी विभाग, पीडियाट्रिक, स्त्री रोग एवं प्रसव विभाग समेत कई विभाग के टॉपर्स को अलग अलग चिकित्सकों के नाम से दिए जाने वाले गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। मौके पर भागलपुर के कई जाने माने चिकित्सक, मायागंज और सदर अस्पताल के पूर्व एवं वर्तमान डॉक्टर्स, मेडिकल स्टूडेंट एवं अतिथि मौजूद रहे। भागलपुर जिले के शाहकुंड प्रखंड अंतर्गत किशनपुर अमखोरिया पंचायत में रविवार को अमखोरिया पंचायत के मुखियापति राजाराम यादव के नेतृत्व में अखिल भारतीय यादव महासभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बिहार प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर अजय कुमार यादव और जिलाध्यक्ष इंजीनियर सुभाष चंद्र यादव ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर अजय कुमार यादव ने कहा कि अखिल भारतीय यादव महासभा एक जाति आधारित सामुदायिक संगठन है, जिसकी स्थापना 17 अप्रैल 1924 को भारतीय सामाजिक समूह के एक व्यापक समूह की सेवा के लिए की गई थी, जिन्हें सामूहिक रूप से यादव जाति के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कहा कि यादव समाज को एकजुट होकर समाज में भाईचारा, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं छोटे छोटे मुद्दों को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। जिलाध्यक्ष इंजीनियर सुभाष चंद्र यादव ने कहा कि यादव महासभा के माध्यम से समाज के लोगों को एक साथ लाकर उनके विकास के लिए कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही जिले में यादव महासभा द्वारा छात्रावास भी बनाया जाएगा। इसके पूर्व अतिथियों का स्वागत अंगवस्त्र और बुके देकर किया गया। कार्यक्रम में हिमांशु चक्रपाणी, प्रखंड अध्यक्ष राजाराम यादव, अभिषेक यादव, साधो यादव, शिरोमणि कुमार यादव, राजू रंजना, विजय यादव, अशोक यादव, पंकज यादव, अंकित यादव, चंद्रशेखर यादव, महेंद्र यादव, शंभु यादव समेत अन्य लोग मौजूद थे। भागलपुर में पहली बार 24 हबीब अकादमी चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। बांका जिला के अमरपुर प्रखंड शुभानपुर गांव में शनिवार को DM अंशुल कुमार की उपस्थिति में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन DM अंशुल कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने ग्रामीणों को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। DM ने कहा कि सरकार महिलाओं को सशक्त और स्वावलंबी बनाने के लिए विभिन्न योजनाएँ चला रही है। अमरपुर प्रखंड में जीविका दीदियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 27,000 दीदियों के बीच 33 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं,
जिससे रोजगार के अवसर भी सृजित हुए हैं। कार्यक्रम में जीविका दीदियों ने जीविका समूह के लिए सामुदायिक भवन के निर्माण की मांग की। वहीं डीएम ने जल्द ही सरकारी जमीन पर भवन निर्माण का आश्वासन दिया। इसके अलावा कटोरिया में दर्जनों स्कूल में शिक्षकों की कमी सहित अन्य समस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने डीएम को अवगत कराया। डीएम ने सभी समस्याओं का शीघ्र समाधान करने की बात कही। कार्यक्रम के अंत में पंचायत की मुखिया मुन्नी देवी ने डीएम को अंगवस्त्र और पौधा देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में डीएम के अलावा एडीएम माधव कुमार, वीडियो प्रतीक राज, प्रशिक्षु वीडियो गोपाल प्रसाद गुप्ता, सीओ प्रशांत कुमार, रेफरल अस्पताल प्रभारी डॉक्टर राय बहादुर समेत काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। सरकार की एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम जन संवाद कार्यक्रम हम लोग विभिन्न पंचायतों में पूरे जिले में कर रहे हैं। इसी क्रम में आज मेरे द्वारा जन संवाद कार्यक्रम में अमरपुर के सुभानपुर पंचायत और इसके उपरांत शंभुगंज में भी जाकर के जन संवाद कार्यक्रम में भाग लिया और हम लोगों ने सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएँ हैं उसके बारे में सभी को अवगत कराया। ग्रामीणों से वार्ता करी, उनकी क्या क्या समस्याएं उसके बारे में भी हम लोगों ने सुना और समझा और काफ़ी सारी समस्याएं भी सुनने को मिली कि कहीं पर नाले का समस्या है, कहीं पर पानी का समस्या है, किसी का राशन कार्ड में दिक्कत है, कहीं सिंचाई का समस्या है, तो इसको भी हम लोगों ने सूचीबद्ध करवाया और इसको भी हम लोग 15 दिनों के भीतर कोशिश करेंगे कि सारी समस्याओं का निराकरण। भागलपुर जिले के सेंडिस कंपाउंड स्थित बास्केटबॉल कोर्ट में रविवार को बिहार राज्य खेल प्राधिकरण पटना की ओर से बालिका बास्केटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन भागलपुर सांसद अजय कुमार मंडल और जिला परिषद के चेयरमैन अनंत कुमार उर्फ टुनटुन सा समेत कई अतिथियों ने संयुक्त रूप से किया। वहीं टूर्नामेंट का उद्घाटन प्रदर्शनी मैच भागलपुर और गया की गर्ल्स अंडर 17 टीम के बीच खेला गया, जिसमें भागलपुर की टीम ने गया को 7-2 के अंतर से पराजित किया। इसके बाद प्रतियोगिता का पहला मैच पटना और भोजपुर गर्ल्स अंडर 17 टीम के बीच खेला गया, जिसमें पटना की टीम ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए भोजपुर की टीम को 15-2 से पराजित कर दिया, जबकि टूर्नामेंट के दूसरे मैच में भागलपुर और गया की अंडर 14 टीम के बीच जोरदार मुकाबला हुआ, जिसमें गया की टीम ने बेहतर खेल का प्रदर्शन करते हुए मेजबान भागलपुर की टीम को 22-15 के अंतर से पराजित कर दिया। इससे पूर्व सांसद ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर सभी खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन की शुभकामनाएं दी। वहीं इसको लेकर जिला खेल पदाधिकारी जय नारायण कुमार ने बताया कि इस टूर्नामेंट में बिहार के 7 जिलों की अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 बालिका बास्केटबॉल टीम ने हिस्सा लिया है और यहां बेहतर खेल दिखाने वाले खिलाड़ियों का चयन राज्य स्तर की प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा। वहीं इस दौरान खेल से जुड़े कई पदाधिकारी, खिलाड़ी, अतिथि एवं अन्य दर्शक मौजूद रहे। कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार सरकार एवं जिला प्रशासन भागलपुर के तत्वावधान में राज्य स्तरीय अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। आज इस प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन माननीय सांसद महोदय के द्वारा किया गया है। यह प्रतियोगिता लगातार 3 दिनों तक चलेगी। इस प्रतियोगिता में राज्य के 7 जिलों के लगभग 200 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। यह राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जो अच्छे प्रदर्शन करेंगे उनमें से लगभग 36 खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय प्रतियोगिता हेतु जो बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे उनका किया जाएगा। बांका अमरपुर प्रखंड के चपरी गांव में रविवार को खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसका उद्घाटन मुखिया वंदना कुमारी, जिला परिषद अनमोल सिंह एवं थानाध्यक्ष विनोद कुमार ने संयुक्त रूप से किया। प्रतियोगिता में भागलपुर, नाथनगर, बेलहर, चतरा, बांका, अमरपुर, आरा एवं अन्य गांव व शहरों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि 800 मीटर दौड़, 1600 मीटर दौड़, 5 किलोमीटर दौड़ एवं 100 मीटर दौड़ व ऊंची कूद और लंबी कूद का प्रतियोगिता आयोजित हुआ था, जिसमें 5 किलोमीटर दौड़ में प्रथम स्थान नाथनगर के रमन राज, द्वितीय स्थान अनुरूप कुमार रंजन और तृतीय स्थान गौरव कुमार ने हासिल किया। वहीं 1600 मीटर दौड़ में प्रथम स्थान रजौन के अरूप कुमार, द्वितीय स्थान नाथनगर के भोला कुमार व तृतीय स्थान प्रतापपुर के अभिषेक कुमार ने प्राप्त किया, जबकि 400 मीटर में प्रथम स्थान सुनील कुमार, द्वितीय ऋतिक कुमार और तीसरे स्थान पर नीलेश कुमार रहे। वहीं लंबी कूद में प्रथम स्थान सुनील पाल, द्वितीय स्थान विकास कुमार व तृतीय स्थान अंकित कुमार को मिला। सभी विजेता खिलाड़ियों को पदाधिकारियों व ग्रामीणों के द्वारा पुरस्कृत किया गया।